अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। जी अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म पिक है वो बेसिकली केबल इंडस्ट्री का एक दिग्गज प्लेयर है। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। इनफैक्ट इस कंपनी ने पिछले साल अनिल जी बहुत बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए थे, जिस डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉपर उनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा था। 3,700 करोड़ पे इस कंपनी ने 600 करोड़ का मुनाफा कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 3,000 करोड़ की कैश है। अगर इनका फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट हम देखें प्लस कैश बैंक बैलेंसेज देखें तो ये कंपनी एक कैश यू नो माउंटेन पे खड़ी है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है और आने वाले साल में कंपनी ने कहा है कि FMEG जो सेक्टर है वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा निवेश करने का विचार कर रही है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के अभी कीमतें कॉपर के प्राइसेस में अभी आपको कटौती देखने को मिली है, अगर ये कटौती आगे भी आने वाले क्वार्टर्स में चलती रहेगी तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट का बर्डन कम होगा और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से 8 से 12 महीने का अगर किसी का नजरिया है तो 500-510 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और काफ़ी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है, तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की राय मेरी तरफ से रहेगी। अनिल, मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस डेफिनेटली वैल्यू है और मैं समझता हूँ कि देखिए अभी LIC का AGM पहली बार होने वाला है तो उसमें काफ़ी ऐसे यू नो न्यूज फ्लोज और कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी। मार्केट काफ़ी समय से वेट कर रहा है कि इनकी एम्बेडेड वैल्यू का क्या आंकड़ा आता है, क्योंकि ये आंकड़ा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस परसिस्टेंसी रेशियो कितना है। तो ये सारे आंकड़े के आने के बाद जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी प्लस जो यू नो कमेंट्स आएंगे मैनेजमेंट के साइड से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरा तो मानना है कि होपफुली इस साल कम से कम प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो डिसबर्समेंट्स रहेंगे प्लस जो पॉलिसीज रहेंगे अगर नॉन पार पे ये फोकस करते हैं तो डेफिनेटली जैसे वरुण ने कहा कि यू नो मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट भी कहता है कि मार्जिन में अनाउंसमेंट जरूर होगा। ऑल ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी टूटा है और इस लेवल से मुझे लगता है कि डाउनसाइड कैप्ड है, एंकर इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो जिनको कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया लेना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा सा एक्सपोजर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए ये स्लो मूवर जरूर है लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे बड़े मार्केट प्लेयर को भी मार्केट यू नो अगर बढ़ता है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें और जिनको खरीदना है मेरे ख्याल से कम 12-18 months का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे थोड़ा सा निवेश भी कर सकते हैं। जी अविनाश जी, नहीं इनफैक्ट अनिल जी ये मैनेजमेंट मुझे लग रहा है शेयर के प्राइस के मैनेजमेंट से ज़्यादा बिजनेस से ज़्यादा शेयर के प्राइस के मूवमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो सभी लोग जानते हैं कि दिन का दिन बदलता है और ये बेसिकली अनरेगुलेटेड है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी ने डाली है मेरे ख्याल से आई थिंक निवेशकों को शायद सिर्फ इस बात से अट्रैक्ट कर रही है। कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, शायद ये यू नो ये बताना नहीं चाहती, तो सिर्फ प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेचना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे यू नो प्रमोटर या ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना जल्दी तेज़ी से भागता है उतना तेज़ी से वो गायब भी हो जाता है। तो आई थिंक निवेशकों को ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि ये डेफिनेटली थोड़ा सा अनफेयर है और अनरेगुलेटेड एक्टिविटी। दीपांशु, जो पोजिशनल पिक मेरी है वो कंपनी का नाम है CMS इन्फो। ये बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पिछले साल रिकॉर्ड किए थे, 1400 करोड़ पे करीबन 210 करोड़ का प्रॉफिट है। सबसे बड़ी बात हम समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर क्रेडिट ग्रोथ साइकिल पकड़ती है तो कैश का जो कंपोनेंट होता है इकोनॉमी वो भी बढ़ेगा और इससे डेफिनेटली CMS इन्फो जैसी कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। इनफैक्ट बैंक्स का बिजनेस अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली CMS इन्फो को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि इनका मेजर कस्टमर सेगमेंट सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। ये काफ़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बैंक्स को प्रोवाइड करती है और हमारा मानना है कि आने वाले साल में दैट इज़ FY 23 में कम से कम 20-22% की अर्निंग्स ग्रोथ आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे करीबन 300 रुपये का यू नो टारगेट प्राइस के लिए इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये है आपके लिए CMS इन्फो सिस्टम्स पर खरीदारी की राय अविनाश जी की तरफ से। 235 के आसपास आपको इस समय